और अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर मीसा बंदियों के सम्मान समारोह को आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ऐसे अद्वितीय सेनानी जिनके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जीवित है, आप उसके हकदार हो जिसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद ऊपर से भगवान किसी देश को दे रहा तो सबसे पहले भारत को दे रहा है, जिनके कारण से ये कारागृह से आने के बाद भी लोकतंत्र का इतना उज्जवल इतिहास लिखा गया है, जिसमें आज यशस्वी प्रधानमंत्री अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही है। मैं आज के इस मंच पर अभी अभी अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया, हमारे माननीय कैलाश जी सोनी अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी का, जो राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मीसाबंदी के, पूर्व सांसद हैं, और हमारे अपने वरिष्ठ नेता जिनने पूरा जीवन संघ कार्य के लिए राष्ट्र कार्य के लिए दिया, पूर्व सांसद हमारे बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किया है, श्रीमान मेघराज जी जैन साहब आपका वंदन है अभिनंदन है। हमारे एक और वरिष्ठ प्रचारक माननीय माखन सिंह जी भाई साहब आपका भी वंदन अभिनंदन, जरा ताली वाली बजाते रहो, मजा नहीं आ रहा, जरा अच्छे से मैं नाम बताऊं आप अपना अभिनंदन करें। माननीय विक्रम वर्मा जी नेता प्रतिपक्ष मंत्री भारत सरकार के मंत्री, बहुत सारे दायित्व का आप निर्वहन कर चुके हैं। माननीय सुरेश जी देशपांडे भाई साहब आपका भी, आप भी समादरणीय, आप दोनों का अभिनंदन किया, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। माननीय सूर्यकांत जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, हमारी सूर्यकांत जी ऐसा हो रहा 3 दिन में 3 बार मुलाकात हो गई, रोज ही सूर्यकांत जी भाई साहब से साथ परिषद के माननीय शालिग्राम जी को लेकर के कार्यक्रम हुआ उसमें आपकी मुलाकात हुई, फिर आप अपने मंच को लेकर के कुछ काम बताने आए, आज भी आपकी ऊर्जा को देख के नमन करता हूँ, आप अपनी जीवटता से अलग ही एक आभा बिखेरते, मैं आपका वंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। माननीय अशोक पांडे जी पूर्व अध्यक्ष MPPSC और माननीय मध्य भारत के आप संचालक भी हैं, माननीय संचालक जी आपका अभिनंदन। माननीय अजय विश्नोई जी पूर्व मंत्री वर्तमान वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई जी, तुलसीराम सिलावट जी, ये नहीं मालूम था तुलसी भैया हमको, लेकिन ये आपका भी वंदन अभिनंदन है, आप भी मीसाबंदी के इस मंच पर विराजमान है। तपन जी आपकी तो आभा ही अलग है, तपन जी बहुत सारे दायित्व का निर्वहन करते हुए सारे काम को जीवित रखते हैं। माननीय सुरेंद्र द्विवेदी जी महामंत्री मीसाबंदी, माननीय संतोष शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मीसाबंदी, माननीय जगदीश जी भाई साहब परिषद के समय से हमारे वरिष्ठ रहे हैं, माननीय भरत चतुर्वेदी जी, माननीय हमारे रामकृष्ण कुसुमारी जी पूर्व मंत्री और अभी भी आप आयोग के अध्यक्ष हैं, माननीय मदन बाथम जी आपका वंदन है अभिनंदन, समूचा मंच, संतोष जी भी है ना मंच पे, संतोष शर्मा जी से लेके सारे लोग, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन है अभिनंदन है। देखो रस्सी जल गई बट नहीं गया, हम सब जानते के पूरे तौर पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपातकाल को लेके दुनिया जानती है, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण, और जैसे मैंने प्रारंभ में बात छेड़ी कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका, इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने आपातकाल के काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। हम केवल कल्पना करें कि वो 75 का आपातकाल कोई कारण से आपका संघर्ष नहीं होता तो कितने साल हुए थे आजाद हुए को देश को, 21 साल तो हुए ही थे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए लेकिन काल के प्रवाह में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो जो भी हुआ, और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे किस मुहाने पे आके खड़ा, वहां के अंदर की आवाजें क्या आ रही है, लेकिन उसके उल्टे
आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। दुनिया की सबसे अनुशासित फौज गर्व से आज हमारे साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन करो आपने लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले सभी सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने इस लोकतंत्र के अंदर आपके संघर्ष का सम्मान किया, आपके अपने संघर्षों के बलबूते पे दोबारा चुनाव हुआ। और सत्ता का हस्तांतरण कितनी सरलता से हो जाता है, ये सत्ता का हस्तांतरण सरलता से करने में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो ये हमारे उस समय लोकतंत्र के संघर्ष की है, दुनिया भी जानती है। अरे यही तो कारण है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी अनुसूचित जाति की बहन को राष्ट्रपति जैसे पद पे देख करके गौरवान्वित होता है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमारे उस संघर्ष के ऐसे कई उदाहरण भर पड़े। अभी अभी आपको जानकारी बता दूं, मैं जहां से आ रहा हूं वहां निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो, जो मैंने मुहावरा बोला वही वाला हिसाब है कि एनडीए के सामने एक घमंडिया गठबंधन बना और घमंडिया गठबंधन ने अपना नाटक कर कुरा के एनकेन प्रकार सारी ताकत लगा ली। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आज एनडीए की ताकत के भरोसे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनको रोज नाटक करना है। नाटक के प्रकार भी कैसे कैसे हैं। अभी बीच में से अच्छा भाषण में एक विषय आया कि अगर वो सीट जीत गए तो ईवीएम भूल गए, अगर ये हार जाते तो ईवीएम जवाबदार, उनके खिलाफ कुछ भी बात हो जाए तो वो तुरंत बहाने ढूंढ के चलते हैं। हमारे अपने राजगढ़ के चुनाव में उनका हम 400 प्रत्याशी खड़े करेंगे। अब 400 तो मिले नहीं तो अब फालतू की बात करते हो, लेकिन अब चुनाव आपने सबने जिस ढंग से 29-29 जिताया, मैं आपका स्वागत करता अभिनंदन करता हूं। ये आप सबकी देन है, आप सबकी पुण्य है। सरकार अपना काम करती लेकिन घर घर में घुस करके ये राष्ट्रवादी विचार को फैलाने का काम जो आप सबके माध्यम से हुआ है, ये उसकी भूमिका है। और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी लोकसभा की बता रहा था तो लोकसभा के अंदर निर्वाचन का मसला आया, अपना फॉर्म भी भरा, उनका भी भरा, हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, उनका उम्मीदवार भी डिक्लेयर हुआ। और आज आनंद आया, ओम बिरला जी ने जैसे निर्वाचितों के पहला भाषण दिया, उन्हें लोकतंत्र सेनानियों के उस समय के संघर्ष को याद किया कि ये उनकी देन है, ये उनका नमन है, उनका सम्मान है। और जैसा होता है, जैसे ही वो बोले कि वो सारे के सारे मैदान छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उनको पसंद न तब था ना आज था। वो जो एक दुर्भाग्य के साथ होना तो ये चाहिए कि काल के प्रवाह में इतने प्रमाण मिल गए कि हाँ कांग्रेस ने गलती की थी, और कांग्रेस के इस समय के गठबंधन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उस समय आपातकाल में बंद थे। लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती, ये उसका उदाहरण है। चोर चोर मोसेरे भाई किसको कहते हैं, ये उसका उदाहरण है। वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी तो जेल के सिकंजे में थे, वो सारे के कारण से आज भी वो स्थिति ला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जनता है, ये सब जानती है। जनता की लड़ाई जनता के लिए जनता के द्वारा लड़े जाने का, और जयप्रकाश नारायण जी का वो नेतृत्व, और हम सब तो और भाग्यशाली है, ऐसी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलेगी। इतना अच्छा अनुशासित अपना संगठन भारतीय जनसंघ, उसकी कुर्बानी देखो, जिनने अपने इस लोकतंत्र के लिए, लोग कहते हैं हम बहुत जिद्दी हैं, बहुत कट्टर हैं, बदलते नहीं हैं, लेकिन हम तो वहां तक बदलते कि अपनी पार्टी का ही विलीनीकरण कर दिया, जनसंघ को हमने समाप्त कर दिया, केवल लोकतंत्र के कारण से ये गौरवशाली पक्ष भी हमारे सामने है। और जैसे कहा गया कि कमल का दल पानी में जाए या बाहर आए उस पर पानी का असर नहीं हो, हमने भले ही विलीनीकरण कर दिया लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम लड़े थे, जिन विषयों को लेकर हम आगे बढ़े थे, उनके साथ भी रहे तब भी, उनके खिलाफ रहे तब भी, या उसके बाद भी, आज तक भारतीय जनता पार्टी बनकर के जिन जिन मुद्दों को लेकर हमने राजनीतिक यात्रा की थी, सरकारें बनाने के बाद हमारा सपना क्या होना चाहिए। तो एक बार फिर अब अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके सामने आप सब लोकतंत्र सेनानियों ने जो लंबा संघर्ष किया था वो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। वो सारे के सारे धारा 370, 3 तलाक,
सुशासन, सुचिता, लोकतंत्र के अंदर हमारा आचरण, जो व्यवहार, कितने प्रकार से बात करें, किसी भी इतने बड़े देश के, इतनी विविधता वाले देश के सामने 10 साल की अवधि बहुत छोटी सी होती है, कोई हिसाब नहीं लगाते हैं उसका, लेकिन इतनी छोटी सी अवधि में भी कितने आयामों में काम किया। आज हमें इस बात का गर्व है, आपके कारण से दुनिया की सशक्त सबसे बड़ी सक्षम सेना बनाने का गौरव अगर हासिल हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर हुआ है, जिसके कारण से आज हम दुनिया के तीसरे ऐसे देश हो गए जो अपने देश के अंदर तो अपने हितों की रक्षा करते ही हैं, अपने देश की समस्या का समाधान करते ही करते हैं, बल्कि मौका पड़े तो दुश्मन के देश में, घर में घुस करके अपने दुश्मनों को मारने की हिम्मत रखते हैं। हमको एक बार नहीं, दो दो बार यह गौरव हासिल हुआ है कि हाँ, हमारे देश के अंदर होने वाली चुनौतियों का सक्षमता से सामना करने के लिए हम सबल हुए, सक्षम हुए। ऐसे एक नहीं, कई मुद्दे हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। मुझे बताया गया कि आप सबको निमंत्रण का मामला था, तो हमने अपने अधिकारियों से कहा कि देखिए भाई, जिनको बुलाना है वो इस शासन की व्यवस्था के सबसे सम्माननीय हकदार लोग हैं, इसलिए कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको सम्मान बुलाने का अधिकार हमारे अपने उनके इस घर में बुलाना चाहिए। यह घर मेरा हाउस नहीं है, वास्तव में ये हमारा लोकतंत्र का, इस व्यवस्था का भाग है, और स्वाभाविक रूप से इसके बारे में लोकतंत्र सेनानी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, ये हक तो आपका ही होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है कि आज आप सबको प्रणाम करने का, आप सबको दर्शन करने का मेरा अपना सौभाग्य है। मुझे बताया गया लोकतंत्र सेनानियों के माध्यम से आपने कोई 2-4-5 बात कही है, मैंने वो तो पढ़ ली है, उसको तो सारी मानता ही मानता हूं, कुछ छोड़ने वाला नहीं हो जो आपने बात कही है। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस, विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्र पत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे, आपको ताम्र पत्र देंगे। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं है, आप किसी टोल नाके पे जाए, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा, आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, अभी हमारी सरकार ने एक प्रयोग किया, प्रयोग ये किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर भौगोलिक, अभी हरदा तरफ से, नरसिंहपुर तरफ से एक, आपको ध्यान में, एक अग्निकांड हुआ था फटाके का, और हमको एम्बुलेंस से वहां मरीजों को, लोगों को निकाल के लाने में भारी दिक्कत आई, रास्ता छोटा, आने की कठिनाई ऐसी, तो इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, यहाँ कोई भी बीमार हो जाए, कोई घटना घट जाए तो तुरंत बड़े हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं। भगवान के भाग्य से, हमारे भाग्य से, भगवान की दया से वनांचल है, पहाड़ है, नदी पर्वत सब है, लेकिन इतनी दूरी को कैसे कवर करें, तो बीमारी की अवस्था में, आकस्मिक रूप से, कठिनाई में हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था खड़ी करी है कि कोई भी कहीं बीमार हो तो आकस्मिक रूप से उसको उच्च जगह पर ला करके योग्य प्रकार से इलाज करें। अभी आपने लिखा नहीं है, मैं ये इलाज भी आपको कराने की घोषणा करता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है, बीमार की इस अवस्था में ये साधन जरूरी, इसके कारण से हमने ये निर्णय किया। इसके साथ साथ अभी आपके लिए जानकारी के लिए, ये हमारी एयर टैक्सी की सुविधा हमने जारी की है। एयर टैक्सी की सुविधा सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए।
यह हक होना ही चाहिए, इसमें क्या दखल है। हमारे मीसा बंदियों का भी सम्मान लोकतंत्र सेनानियों की तरह उसी सम्मान होगा जैसा लोकतंत्र सेनानियों का होता है। मीसा बंदियों का और उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अभी तक इसमें 8,000 रुपए अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपए अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था शासन के द्वारा की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में। वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है, ताकि उसके विविध प्रकार के कष्टों के बीच भी हमारे लोगों ने जीवटता के साथ कैसे जगह बनाई, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं आप सबको इस अच्छे एकत्रीकरण की बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं मीसाबंदी की बधाई तो दूंगा नहीं, क्योंकि आपातकाल का दिवस था वो तो बहुत खराब दिन था, ये काला अध्याय था, लेकिन आप सब ने मिलकर के जो संघर्ष किया मैं आपको बधाई देता हूं। इसके अलावा आपके अपने परिवार के अंदर भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, नया व्यवसाय चाहिए, कोई काम धंधा चाहिए, तो हमने निश्चय किया है कि अलग अलग प्रकार से निवेश के सारे मामलों में जिनको अपने उद्योग धंधे लगाना है, कोई कामकाज करना है, जिनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, जो भी काम करना, आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षण कराकर यथायोग्य जैसी व्यवस्था है उनके रोजगार के प्रबंधन भी अपनी सरकार के द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि हमारे अपने लोग अगर इस व्यवसाय से जुड़ते हैं, वो हमारे इस विचारधारा के साथ अगर राष्ट्र की धारा में आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हैं, तो गलत क्या है। जब हम सबके लिए सोचते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहले सोचने की जरूरत है जो इसके हकदार है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के प्रति आपके प्रति शुभकामना है, और आप सबका यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप अलग से भी मौका समय का चाह रहे थे, लेकिन मैंने अगला क्रम बनाया जुलाई के बाद के जिले जिले की हमारी प्रवास यात्रा रहेगी, तो उसमें समय के लिए थोड़ा सा आपके लिए भी अलग से रखा जाएगा, ताकि आपसे सीधी बात हो सके, आपके लिए भी समय मिले, ताकि आपके सुझावों का उसमें गुंजाइश रखें। मेरी अपनी ओर से विधानसभा के बाद, चूंकि विधानसभा सामने आ गई 2-3 दिन बाद और उपचुनाव हमारा 10 तारीख के बाद है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ऐसा योजना बनाई है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आप कोई लिखित सुझाव लाएं, कोई बात कहें, तो अपना एसोसिएशन बना हुआ है, एसोसिएशन के माध्यम से भी आपका सदैव स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। बंधुओं, अब हमारे बीच में ये कार्यक्रम के समापन की एक औपचारिकता रहती है। हमारे संतोष शर्मा जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, वो आभार प्रदर्शन करेंगे। वो सबसे कम उम्र के 14 साल